विरोध का शिकार भैया राहुल, मेरा विरोध कर लो, हमारे नेता मोदी जी का कर लो, मेरी पार्टी का विरोध कर लो, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, मगर भारत माता का विरोध करने का साहस करोगे तो फिर सलाह मुझे दीजिए, मगर भारत माता का विरोध करने का साहस करोगे तो फिर सलाह मुझे दीजिए। कांग्रेस वाले आए, बूढ़ा साहब आए तो पूछोगे कि धारा 370 का क्यों विरोध कर रहे हो, पूछोगे क्या? माताएं बोले पूछे क्या? पूरा देश अब खुश है कि कश्मीर हिंदुस्तान का भी अंग बन गया, कि कांग्रेस को नींद नहीं आती है क्योंकि उनकी वोट बैंक की राजनीति में पंचर करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया। यहां आया हम सब हरियाणा में, 5 साल पहले आया था, मैंने कहा था कि पूर्ण बहुमत की सरकार आप हमें दीजिए, हम हरियाणा को बदल कर जाते। 5 साल के बाद में आया हूं, तो मुझे बताओ हरियाणा के अंदर आप एक परिवारवादी पार्टियां चाहते, बाप गया बेटा आएगा, बेटा गया पटपोता आएगा, चाहते हो क्या? ये कांग्रेस पार्टी परिवारवादी पार्टी है, चौटाला साहब की पार्टी भी परिवारवादी पार्टी है, और परिवार में भी सबने अंदर अंदर झगड़ा करते, मगर ये पार्टियां हरियाणा का भला नहीं कर सकती, देश का भला नहीं कर सकती। पहले गुंडा आते थे, भ्रष्टाचार होता था, चौटाला आते थे, गुंडागर्दी हम आतिथिया नहीं आती थी भाई, आतिथिया नहीं आती थी। आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाई, मनोहर जी के नेतृत्व में सरकार बनाई, आज ना गुंडागिरी है ना भ्रष्टाचार है, विकास के रास्ते पर हरियाणा चल पड़ा है। हरियाणा के अंदर से जाति बात को समाप्त करने का काम मनोहर लाल जी ने किया, आज हरियाणा के अंदर 8 जिलों के अंदर 24 घंटा बिजली पहुंचाई है। मैं माताओं बहनों को कहना चाहता हूं, एक 5 साल मौका दे दीजिए, हरियाणा के हर गांव के अंदर, हर घर के अंदर 24 घंटा बिजली पहुंचाने का काम भारतीय जनता।